नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी हमारे व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया में जहाँ भी, हमेशा खुश रहें, सुखी रहें और संपन्न। दोस्तों, आज है लाभ पंचमी और सबसे अच्छी बात है कि आज है शनिवार। एक छोटा सा काम करें, शनिवार का दिन है, मतलब आज के दिन संध्या समय आप एक चौमुखा दीपक ले लें और उसमें थोड़े से काले तिल डाल दें, दो काली मिर्च डाल दें, दो लौंग डाल दें। पूरे घर में आप उस दीपक को घुमा लें। घुमाने के बाद आप उस दीपक को आज पीपल के पेड़ के नीचे रखें और पांच प्रकार की मिठाई पीपल के नीचे आज की रात अगर आप रखते हैं तो पीपल में कई प्रकार की जो आत्माओं का वास है, कई प्रकार की आत्माएं, शुद्ध आत्माएं, अप्सराएं, यक्षिणी, आप देखो तमाम प्रकार की शुद्ध और पवित्र आत्माएं भी रहती हैं। ब्रह्म राक्षस का भी पीपल में वास होता है। तो पीपल की पूजा करना, बरगद की पूजा करना, ये तमाम वो पूजाएं हैं जो आपके जीवन को तार देती है, आपकी तमाम प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति करती है। आज रात आप पांच प्रकार की मिठाई पीपल के पेड़ के नीचे रख करके अगर अपनी इच्छा बोलते हैं तो आपकी तमाम प्रकार की इच्छाएं पूरी होती हैं। जो लोग शनिवार के दिन इस क्रिया को ना कर सके, रविवार के दिन, दूसरे दिन, इसी क्रिया को आप बरगद के पेड़ के नीचे जाकर के कर दें। बरगद के पेड़ में भी साक्षात भगवान शिव माता पार्वती का वास है और जो भी जीव पीपल के वो पेड़ में वास करते हैं वही तमाम प्रकार के जीव बरगद के पेड़ में भी वास करते हैं। तो जो तमाम अति इंद्रिय योनि के जो जीव होते हैं वो तुरंत आपकी आवाज को सुनते हैं और आपकी इच्छा की पूर्ति करते हैं। मैंने पहले भी आपको एक उपाय बताया था कि अगर बहुत लंबा समय हो जाए और आपको ऐसा लगता है मेरी ये वाली इच्छा पूरी नहीं हो रही है तो आप बरगद के पत्ते पर अपनी इच्छा शहद से या चंदन से लिखें और उसको पानी में प्रवाहित करें। बरगद का जो पत्ता होता है उसमें अति इंद्रिय जीवों का वास होता है। जब आप उसमें कोई भी अपनी इच्छा लिखते हैं तो जो अति इंद्रिय योनि के जो जीव हैं, जो अनोन वर्ल्ड के जो आत्माएं हैं, जो जीव हैं, एक अगोचर विश्व जिसे हम कहते हैं अनोन वर्ल्ड, एक अगोचर विश्व, एक हमारी दुनिया होती है, एक इन आत्माओं की दुनिया होती है, देवी देवताओं की दुनिया होती है ना, जो अगोचर है, जो हम लोगों से अनजान एक दुनिया है, कहीं एक दुनिया बहुत सुंदर है, जिन लोगों के केतु तो बहुत मजबूत होते हैं। मैं बताती हूँ, कैट्स आई पहनो, कैट्स आई पहनो, चंद्रकांता मणि पहनो, आप देखोगे जो अलौकिक जीव है ये ऑटोमेटिकली आपसे कनेक्शन बनाते हैं और आपको समय समय पर जानकारी देते रहते हैं कि आपके आपसे संबंधित कौन सी घटना कहाँ घटित हो रही है। तो ये तमाम चीजें आपकी मदद करती हैं। मैं हमेशा, अभी मैंने थोड़े दिन पहले ही वीडियो बनाई है चंद्रकांता मणि की। चंद्रकांता मणि दोस्तों हर व्यक्ति पहन सकता है। जैसे कैट्स आई, हमारे यहाँ से बहुत सारे लोगों ने कैट्स आई खरीदा, बहुत सारे लोगों को ये अनुभव भी हुआ। कुछ लोगों को तो मैंने कैट्स आई इसलिए भी दी क्योंकि मुझे जब वो उन लोगों ने वीडियो कॉल लिया और मुझसे बात की तो मुझे एक चीज़ समझ में आ चुकी थी कि इनके घर में नेगेटिव चीज़ बहुत जबरदस्त रूप से रह रही है। और नेगेटिव चीज़ भी कैसी थी, जो बाहर के नहीं थे, उनके घर के ही जीव थे जो उनके घर में अतृप्त अवस्था में उनकी आत्माएं घूम रही थी। उनको कैट्साई देने का मेरा एक ही उद्देश्य था कि उन्हें यह पता चल सके, जब कैट्साई वो पहनेंगे तो वो जीव बहुत जल्दी उनसे कनेक्शन बनाते हैं और उनकी इच्छाओं का पता आपको चलने लग जाता है कि हमारे घर में इस व्यक्ति की, दिस और दैट पर्टिकुलर जो भी व्यक्ति है जिसकी भी डेथ हुई है वो किस अवस्था में है, वो हमसे क्या चाहता है। उस उपाय को जब आप करेंगे तो आपके घर से अपने आप जो पितृ दोष है वो दूर हो जाता है ना। कई बार कितनी ही ऐसी क्रियाएं होती हैं जो हम दूर बैठ करके उसको दूर नहीं कर पा रहे होते हैं, तो कुछ ऐसी चीजें जो मैं आपको प्रोवाइड करवाती हूँ कि आप सिर्फ उसको धारण करें या अपने घर में रखें, ऑटोमेटिकली खुद आपके ही द्वारा उसका उपचार हो जाता है। तो ये जो जीव है अति इंद्रिय योनि के जीव, ये आपकी इच्छाएं पूरी करते हैं। आज के दिन पांच प्रकार की मिठाई आप पीपल के नीचे रखें या फिर रविवार के दिन बरगद के नीचे रखें। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जितना ज्यादा हो सके दोस्तों शेयर करें। जय श्री कृष्ण।